जी मज़ा आया, बवाल देख के इंटरेस्टिंग फिल्म थी। वरुण धवन की परफॉर्मेंस भी बढ़िया लगी, कहीं ना कहीं मज़ा आया देख के। शुरुआत तो देख के थोड़ा सा बद्रीनाथ की दुल्हनिया टाइप लगने लगता है उनका कैरेक्टर, के वैसा सा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा कैरेक्टर में मज़ा आता है। आप कहीं ना कहीं हेट करने लग जाओगे उसके कैरेक्टर से, जो रहता है वरुण धवन वाला कैरेक्टर, उससे आप हेट करने लग जाओगे कहीं ना कहीं, ऐसा लगने लगेगा फिल्म के दौरान, लेकिन मज़ा आता है। इंटरेस्टिंग फिल्म थी, जाह्नवी कपूर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, इतनी ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं थी फिर बावजूद उसके। मेनली जो मैं कहूँगा फिल्म जो है वो डायरेक्शन के मामले में है पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है नितेश तिवारी का जो डायरेक्शन है, मज़ा आ जाएगा देख के। हम सभी जानते हैं दंगल छछोरे जैसी अच्छी फिल्मों ने डायरेक्ट की हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो उन फिल्मों के कंपैरिजन में तो उस फिल्म को नहीं रखा जा सकता। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कि अबव एवरेज फिल्म है, एवरेज से थोड़ी सी बेटर, बेटर देन एवरेज टाइप की आप फिल्म से कह सकते हैं अबव एवरेज। बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं, लेकिन बुरी भी नहीं है और एवरेज भी नहीं है, पर अच्छी फिल्म है। तो इंटरेस्टिंग फिल्म रही, अच्छी रही, प्राइम पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। वरुण धवन के फैंस भी देख सकते हैं, जाह्नवी कपूर के भी देख सकते हैं, लेकिन मेनली जिस प्रकार से जो डायरेक्शन में जो उन्होंने चीज़ करी, जब ये लोग पेरिस चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम इनको देखते हैं कि वहाँ पर फिर जो वॉर वाला पर्सपेक्टिव जो देखने को मिलता है ना, जो डायरेक्शन के तो रूप में जो वॉर का पर्सपेक्टिव जो उन्होंने क्रिएट किया है नितेश तिवारी ने, वो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, वो इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, जो इस फिल्म को थोड़ी सी यूनिक बना देता है, कोई एक सी नॉर्मल सी फिल्म नहीं लगती। वरना अगर आप देखें तो वो बड़ी एक नॉर्मल सी एक लव स्टोरी टाइप की हो जाती है, फिर वो आगे जाके चेंजेस हो रहा है उसमें, तो उनके रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है और वो सारी चीज़ें हो रही है, वैसा सा लगता है। लेकिन जो वॉर का पर्सपेक्टिव जो डाला उन्होंने और जिस नज़रिए से उसको दिखा, वो डायरेक्शन को उनका कमाल है और उसने इस फिल्म को थोड़ा सा और बेटर बना दिया कहीं ना कहीं मैं कहूँगी। बाकी परफॉर्मेंस वाइज सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है तो लीड कास्ट के मुकाबले, लीड कास्ट की परफॉर्मेंसेज भी मज़ेदार है, देखी जा सकती है, इंटरेस्टिंग है, तो फिल्म बढ़िया है। अब ऑडियंस के ऊपर है कि कौन किस तरह से ले रहा, सबके ऊपर सबका अपना अपना नज़रिया है। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे काफ़ी बढ़िया अच्छा लगा। सॉन्ग्स के बारे में बात करूँ तो सॉन्ग्स जो है किसी को अच्छे लग सकते, नहीं भी लग सकते, मुझे तो सॉन्ग से इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, या मुझे ऐसा कुछ बहुत स्पेशल भी कोई ऐसा सॉन्ग लगा नहीं कि जो मुझे याद रहा या बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन ठीक ठाक फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, देखी जा सकती है, प्राइम पे अवेलेबल है। और नितेश तिवारी के लिए मेनली मैंने इस फिल्म को देखा है, बाकी लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि देख सकते हैं। लेकिन उनकी जो पिछली फिल्म थी दंगल छिछोरे, अगर आप वैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, वैसा सोच रहे हैं, तो उस मुकाबले तो आप निराश हो जाएंगे। तो वैसे एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए सिर्फ देखा जाए तो मुझे लगता है फिल्म देखें मज़ा आए।